नसरुद्दीन सिंध हाई कोर्ट के हुक्म से जजेस की निगरानी में डहरकी में गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज के 5 एकड़ जमीन तां कब्जो खत्म कराने लाए ऑपरेशन कियो है। पुलिस और रेंजर्स जो अटाला पहुंचल हैं। उन्हें हवाले से वीडियो लिंक ते मौजूद है रमेश कुमार जी। रमेश, सिंध सरकार तरफा गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज डहरकी के लिए 5 एकड़ 10 गुंटा एक प्लाट डहरकी में मुख्तस किया जैसे काफ़ी अरसे का कब्जो हो। उन हवाले से शहर की दरख्वास्त से सिंध हाई कोर्ट नोटिस वरतो। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म से आज एडिशनल सेशन जज डहरकी की निगरानी में इतने कब्जा जैसे कब्जा माफिया है उन्होंने हटाया पे वे कब्जा खत्म किया पे वन अचो तो इतने मौजूद सियासी समाज तंजीम के अगवान कॉलेज के प्रिंसिपल से गाल बोल क्यों तो चवण है। हि जस्टिस सलाहुद्दीन सिंध हाई कोर्ट के हुक्म साथ सेशन जज निगरानी से हि ऑपरेशन हले पो घो कॉलेज बिल्डिंग जो भी कम शुरू थी उनके सेशन जज साहब से गोग एस पी रेंजर्स डी सी साहब के भी यो है तो वो इन कम में मुकम्मल हिस्सों वा। हाँ अस मुतमिन ही कोर्ट जो सगो जो हुक्म अमल लाजमी थी और इतमीनान है कोर्ट सगो एतमाद है। हाई कोर्ट के आर्डर से खाली पे थन सुठो अमल आइंदा भी शहर जो अड़ी प्रॉपर्टी सारी पानी जो विरसो है उनके बचाया वे तो मुझी अपील होंगी ये सुठो कम थे वन पे। हाँ भी ही जो डिग्री कॉलेज स्पोर्ट्स कंप्लेक्स जो मुश्तरक खातों स्पोर्ट्स एजुकेशन गड गड रहन खपे यो असो मोटो है। मतलब गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज डहर की 2009 में मंजूर थो है वो सिंगल सेक्शन हाई स्कूल की बिल्डिंग में हली रो सो उनके गवर्नमेंट तरफा 5 एकड़ 10 गुंटा जमीन मिली जाते कुछ झोपड़ी वा बया दोस्त वेठा हुआ सो हाँ अज वो कब्जो जो है हाई कोर्ट के हुक्म से खत्म थे पो तबर आ इदारा हमेशा समाज जोड़ींदा समाज के तामीर कह इदारा ठाण खपन कॉलेज ठाण खपन जी। कॉलेज के प्रिंसिपल साजा मंदन जो गाल बोली बुधियों उन्हें जो यो चवण है तो जो गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज से कब्जा माफियन जो कब्जो हो यो आज सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट के हुक्म से खत्म थो है यो सुठो अमल है इन सा इदारा मजबूत थन्दा उन्हें यो मुतालबो किया है जो एराजी ते बी एराजी से भी जैसे कब्जो है सरकारी एराजन से उ भी कब्जा खत्म किया वन।